हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो क्लास 7th के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, अपने दोस्तों साथ शेयर करना कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा आता है पैराग्राफ बेस्ड, तो पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लोग रिश्तों को कब भूल जाते हैं, ठीक है। तो लोग रिश्तों को कब भूल जाते हैं, तो यहाँ से आप ढूंढ के इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइक क्वेश्चन जो जो है आप अच्छे से इनको देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हमारे यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचों को अच्छे से देख के आप कर ले, तो कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर एक और पैसेज आएगा हमारा जो भी 4-5 नंबर का होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। रात बीतने पर क्या होता है, तो ग्वाला सब गुलाल, जय जय उच्चवार, माखन रोटी गोलों का सुना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप आंसर को लाइक आप रीड करके अच्छे से कर लेना, ठीक है। मेरे पे लाइक टाइम नहीं है, बट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए। फिर आपका इसमें क्या क्या आता है, तत्सम आता है, तद्भव आता है, उपसर्ग जैसे प्रति प्रति लगा के क्या हो सकता है, प्रतियोगिता होगा, ठीक है, प्रतिभोग होगा, ऐसे करके। फिर अनकरण सब ने उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, तो ठीक है। तो अन हो जाएगा प्लस करण हो जाएगा, आई लगा के प्रत्यय बनाना है, मिठाई हो गया, ठीक है, कुटाई हो गया, भलाई हो गया, पढ़ना में तो पढ़ प्लस ना, ठीक है, तो प्रत्यय मूल सब अलग हो जाएगा। फिर दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होना, ठीक है, मतलब लाभ ही लाभ होना। पांचों उंगलियां घी में इसका भी मतलब वही होता है, अपनी डफली अपना राग, मतलब अपनी तारीफ करना इसका मतलब होता है। फिर अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत हमारे अपने हाथों में होती है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, किसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। फिर आते हैं राइटिंग सेक्शन में, उसमें निबंध आएगा आपका, तो निबंध देखो, ये मेन टॉपिक है हमारे, गणतंत्र दिवस, मेरा विद्यालय का वार्षिक उत्सव, दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसका। फिर आपका लेटर आएगा लिखने के लिए, जो कि हमारा जल बोर्ड को लिखना है, और बाल दिवस को तैयार कर, मतलब अपने भाई को पत्र लिखना है बाल दिवस के उस पर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है संस्कृत का, ये है संस्कृत के पेपर डिस्कस करेंगे अभी हम, और लाइक इसी का डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम संस्कृत का भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसी का देख लेते हैं। होप सबको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।